देखिए आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन देखिए जो आपके शेष हैं। तो सवाल नंबर इसका आपका है 14 है। सवाल नंबर आपका है 14 इंटीग्रल एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसमें हम सवाल तो फर्स्ट और सेकंड से मान के करेंगे। तो देखिए इसमें आपका है इसे टी मान लें। तो माना के एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिए। इसका करते हैं लोग अवकलन करते हैं तो हो गया 2x dx बराबर dt या x dx बराबर dt अपॉन 2। और जहां x dx है हम लोग वहां dt अपॉन 2 पुट कर सकते हैं आराम से। तो देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है x क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जहां एक्स स्क्वायर है वहां टी पुट कर दे। करिए एक्स स्क्वायर है टी आ गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर टी आ गया, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स मीन्स आपका डी टी अपॉन 2 आ गया। तो वो अपॉन 2 को बाहर निकाल ले। इंटीग्रल टी इंटू ई की पावर टी और डी टी, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। इसका सूत्र होता है कि पहली फंक्शन ज्यों की त्यों टी ज्यों की त्यों दूसरी फंक्शन का इंटीग्रल ई पावर टी डी टी माइनस पहले का अवकलन डी अपॉन डी टी की इंटीग्रल ई की पावर टी और डी टी। तो पहली फंक्शन जो कि क्यों दूसरी फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशियल और दूसरी फंक्शन का इंटीग्रल और फिर इस पूरे का करेंगे इंटीग्रल समाकलन का समाकलन। देखिए एक बटे दो टी ई की पावर टी का होता है इंटीग्रल ई की पावर टी होता है माइनस इंटीग्रल टी का डी टी के सापेक्ष जो आपका वन हो गया अवकलन इंटू ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी हो गया और डी टी जो इसका अब क्या बचा है ई की पावर टी क्या करना है इंटीग्रल तो कर दीजिए एक बटे दो टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का होता है ई की पावर टी हो जाएगा। यहां से हमारा कॉमन आ गया ई की पावर टी कॉमन आ गया क्या बचा टी माइनस वन। अब टी का वैल्यू पुट कर दे एक बटे दो ई की पावर टी कितना हमारा एक्स स्क्वायर यहां भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी हो गया स्वेच्छा से ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल आप देख सकते हैं आराम से एक्स को टी मान लिया अवकलन करते हैं इतना आपका आ गया। ये क्वेश्चन था इसको ऐसे भी देख सकते हैं हमने सेट बना लिया जैसे एक्स पर हमारा टी रख दिया फर्स्ट और सेकंड से लगा दिया आपका तो आपका ज्यादा हार्ड नहीं है सरल है। अब सवाल नंबर आप लोग अगला देखिएगा। अब सवाल नंबर इसका है अगला अगला सवाल आपका है 15वां है कि साइनवर्स इंटीग्रल साइनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको मान के करना पड़ेगा क्यों हम जानते हैं कि माना के x बराबर tan थीटा एक्स बराबर टेन थीटा और कई बार बता चुके हैं कि जिसको माना जाता है उसको हम अवकलन करते हैं तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा।
एक्स का हो जाएगा डी एक्स, टेन का होता है sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब जहां डी एक्स है वहां पुट कर देंगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आइए क्वेश्चन हमारा है कि साइन इनवर्स 2x, x मीन्स क्या हमने tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स मीन्स कितना है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये सूत्र हमारा होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन इनवर्स हमारा हट जाता है, उसका एंगल बचता है, तो क्या बचा 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब हमारा 2 बाहर निकाल सकते हैं तो थीटा इंटू sec थीटा में फर्स्ट और सेकंड फिर लगा देंगे तो थीटा को फर्स्ट माने जाए और sec को सेकंड मान ले, तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं तो हमारा 2 यहाँ आ जाएगा। लगाइए तो फर्स्ट फंक्शन जो कि क्यों थीटा जो कि क्यों इंटीग्रल सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर थीटा माइनस पहले का अवकलन तो डी अपॉन डी थीटा थीटा करना है इंटीग्रल सेकंड sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा, उसके बाद सबका होगा डी थीटा। तो देखिए 2 थीटा सेम है, sec स्क्वायर थीटा होता है tan थीटा माइनस थीटा का अवकलन होगा 1 इंटू sec स्क्वायर थीटा tan थीटा और d थीटा। तो 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का होता है समाकलन log sec थीटा log sec थीटा। अब हमारा इंटीग्रल पूरा हो गया, लेकिन हमको देखें कि हमारा क्वेश्चन x के पदों में था तो आंसर भी x के पदों में चाहिए, तो ये किसमें है थीटा के पदों में है। तो हम जहां कुछ हमने माना है यहां से हमने मान निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। कैसे निकालेंगे कि आपका ये जगह है कि tan थीटा बराबर x और tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पाइथागोरस से ये आपका आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम यह मान निकाल सकते हैं, तो देखिए 2 थीटा में कितना आपका थीटा का मान निकालेंगे तो जाएगा tan इनवर्स x, tan थीटा मीन्स x आता है इंटू x माइनस log sec थीटा, sec होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है रूट 1 प्लस x स्क्वायर आधार 1, 1 को मत लिखिए लिख रहे हैं। अब हो जाएगा पर 2 x tan इनवर्स x माइनस का इसकी पावर हाफ मान ली जाए 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c जोड़ दिया हमने स्वेच्छा से जोड़ दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो जिस सवाल को मान के करते हैं उसको हमने पाइथागोरस का मान निकाल लिया क्योंकि x के पदों में आंसर चाहिए, वो हमारा थीटा के पदों में था। तो tan थीटा का मान दिया x, थीटा का मान ट्रांसफर कर दिया, sec थीटा का मान हमने यहाँ पाइथागोरस में रख के निकाल लिया, ये आपका आंसर हो गया। तो लगभग मैं जानता हूँ ये आपके समझ में अवश्य आ गया होगा। अगला देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि
सवाल में आपका अगला है 20 इंटीग्रल एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन, इसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि हाफ और एक पावर मिलके 3/2 हो जाएगी, तो हर में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको करेंगे मान के कि माना के टेन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लिया जाए, क्या करते हैं अवकलन, तो इसका होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, और जहां dx अपॉन 1 प्लस एक्स हुआ वहां हम dt पुट कर सकते हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है मेरा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा dt आ जाएगा। आइए क्वेश्चन हमारा है एक्स मीन्स यहां से मान निकाले हम लोग हो जाएगा टेन टी, हो जाएगा टेन टी हो गया, टेन प्लस एक्स क्या माना है टी इंटू टी हो गया, और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जाएगा हमारा डी टी आ जाएगा, क्या जाएगा डी टी बटे रूट 1 प्लस एक्स मीन्स टेन थीटा टेन टी सॉरी, तो टेन स्क्वायर टी हमारा आ जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन क्या करते हैं इंटीग्रल, तो टी टेन टी ये हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर टी डी टी, बड़ा से हमारा हट जाएगा वर्गमूल, क्या बचेगा सेक टी। इंटीग्रल टी और टेन टी बटे सेक टी डी टी, तो टी टेन होता हमारा साइन टी बटे कॉस टी, और एक बटे सेक होता है कॉस टी, और डी टी कॉस टी हमारा कट गया, क्या बचा टी साइन टी डी टी, यानी त्रिकोणमिति हमने कुछ हल करने के पश्चात हमको ये प्राप्त हुआ कि टी साइन टी। अब यहाँ हम लगा देंगे फर्स्ट और सेकेंड मेथड, ये होता है फर्स्ट फंक्शन जो कि ट्यू और दूसरे का इंटीग्रल, और साइन टी का इंटीग्रल डी टी माइनस पहले का अवकलन डी अपॉन डी टी टी का, और सेकेंड का इंटीग्रल और साइन टी और डी टी, उसके बाद इस सब का होगा समाकलन डी टी। तो टी साइन टी होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी माइनस पहले का अवकलन 1 हो गया साइन टी का माइनस कॉस टी और डी टी, कॉस टी का द्वारा कर देते हैं तो टी कॉस टी, कॉस का होता है इंटीग्रल साइन टी साइन टी। अब हमको साइन टी और कॉस टी के मान यहां से निकालने पड़ेंगे, कहां से जहां हमें कुछ मान प्राप्त किए थे यहां से, कहां से तो माना के टेन इनवर्स एक्स बराबर टी माना था, तो हम यहां से मान निकाल ले कि हमारा x का मान आ जाएगा टेन टी आ जाएगा, टेन टी आ जाएगा, पाइथागोरस लगा दे तो ये होता है लंब x हो गया एक हो गया, कर्ण निकालना है तो 1 प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा। इसकी साथ आते हम लोग क्या मान निकाल लें कि टी का मान है टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x इंटू कॉस टी, कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार एक बटे कर्ण कितना है तो आपको हो जाएगा 1/2
रूट वन प्लस का स्क्वायर प्लस साइन टी, ये होता है लंब बटे टर्न एक बटे रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए तो ये आपका कॉमन आ गया, या इसका आंसर हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। तो कुछ जगह कम है मेरे पास, यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया। क्या बचा आपका, कि यहाँ बचेगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और धन का ये एक्स है तो पहले लिख लिया धन का एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और जोड़ दें तो इच्छा से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा कि वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखना है जहाँ मानते हैं वहां लोग कुछ पाइथागोरस का प्रयोग करके वाली बात करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, लगभग ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात आज क्योंकि आपका इतना ही पढ़िए, कल कुछ और कराएंगे, तो सवाल जो हम दे रहे हैं उनको आप घर से सॉल्व किया करें, और जो सवाल बीच में छूट जाते हैं वो सवाल उसी प्रकार के होते हैं, आपने आराम से कर सकते हैं। तो आज के ये बस इतना ही, धन्यवाद।